नवमोऽध्यायः नववाध्याय आपण चालू करतो. नवमोऽध्यायः अष्टाङ्गहृदय नवमोऽध्याय. पूर्वम् अन्नपानादि द्रव्यै एकदेशाः प्रायः उपयोगवान् निर्दिष्टाः मिळालं कमी वाचतो इथे. निर्दिष्टाः तस्य च आहार विधेः मात्राः च उपदिष्टाः उपदिष्टा. पहले हमने अन्नपानादि जो द्रव्य है उसका एक देश, एक देश मीन्स एक पार्ट उसका जो है वो प्रायः जनरली उपयोगवान उसका उपयोग करके निर्दिष्टा निर्देशन किया उसका. तस्य उसकी आहार विधि मात्रा, उसकी आहार विधि और उसकी मात्रा जो हमने क्या है वो भी च उपदिष्टा, वो भी हमने बताई. संप्रति अभी द्रव्य रस वीर्य विपाकादयो वाच्या. अभी हम उसके द्रव्य रस वीर्य विपाक आदि जो चीजें हैं उसके बारे में हम बोलने वाले हैं. अन्नपानम ही रस वीर्य विपाकादीन परीक्ष उपयोग उपयोक्तव्यम. अन्नपान जो है वो रस वीर्य विपाकादीन उनसे उनका उसका परीक्षण करके उसका प्रयोग करना चाहिए, न अन्यथा. और दूसरी कोई चीज़ नहीं है. जैसे हम द्रव्य द्रव्य पढ़ते हैं तो वो द्रव्य को रस गुण वीर्य विपाक आदि प्रभाव आदि पंच धर्म से द्रव्य पढ़ते हैं, वैसे ही अन्नपान का अन्नपान की अगर पढ़ाई करनी चाहिए. अन्नपान जो द्रव्य है, जो खाने लायक चीज़ें हैं उनका अगर पढ़ाई उनकी अगर पढ़ाई करनी चाहिए तो उनकी भी पढ़ाई रस वीर्य विपाक आदि इनसे ही उनका उनकी वो परीक्षा करके ही उसका सेवन करना चाहिए. दूसरी कोई ऐसी मेथड नहीं है कि उनकी हम परीक्षा करें. तस्मात् मात्राशितीय अध्यायाद अनंतरम द्रव्यादि विज्ञानियम विज्ञानीय आरभ्यते. और इसीलिए मात्राशितीय अध्याय के बाद हम द्रव्यादि विज्ञानीय की हम शुरुआत कर रहे हैं. अन्नपान की जो द्रव्य है उनकी भी परीक्षा उनकी भी पढ़ाई हमें रसवीर्य विपाक आदि से ही करनी चाहिए. और द्रव्य की भी पढ़ाई हम ऐसे ही करते हैं तो रसगुण वीर्य विपाक सभी द्रव्यों का मालूम रहना ये जरूरी है. ऐसे वो बोलते हैं, इसीलिए इस अध्याय में हमने उसके बारे में बताया है. अथा तो द्रव्यादि विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहास्माहो अत्रेदयो महर्षयः. अब हम द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय की व्याख्या बताने वाले हैं. ऐसे भगवान अत्रेय महर्षि बोलते हैं. सर्वांग सुंदर टीका. द्रव्यम आदिर येषां ते द्रव्यादयः. जिसमें
द्रव्य आदि येषाम, जिसमें द्रव्य आदि जो चीजें हैं वो द्रव्य आदि चीजें मीन्स क्या, रस व्यय विपाक ये सब चीजें जिसमें है वो क्या है, द्रव्य है। आदि शब्द ना रस वीर्य आदि परिग्रह, आदि शब्द से हमें रस वीर्य विपाक प्रभाव इनका परिग्रह, इनका उनके बारे में सोचना चाहिए। द्रव्यादिनां विज्ञानम अवगमः तस्मै हिताः, कि ये द्रव्यादि इनका विज्ञान है, द्रव्य आदि जो चीज है, द्रव्य रस वीर्य विपाक इन सभीों का ये विज्ञान है, इसके लिए तस्मै ही हिताः, उसके लिए हितकर ऐसा ये अध्याय है। कौन सा अध्याय, द्रव्यादि विज्ञानीय। शेषः पूर्ववत, बाकी की जो व्याख्या है वो पूर्ववत है। इति स्माहु अत्रेदयो महर्षयः, यह व्याख्या जो है वो पूर्ववत है। आयुर्वेद रसायन द्रव्यादि विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यातुम प्रतिजानिते, द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय की व्याख्या जो है व्याख्या करके हम जानेंगे अथेति, यतः पूर्वैः चतुर्भिः अध्यायैः आहार उक्ताः, कि हमने ये तृतीय बहुवचन है, हमने पहले चार अध्यायों के द्वारा आहार का ज्ञान किया, आहार हमने बताया। स च अनंत विशेषत्वात् तावता ज्ञातुम् अशक्याः, और उतना ज्ञान मिलने के बाद वो चार अध्याय द्वारा जो हमें आहार का ज्ञान मिला है, मिल रहा है, वो इतना ज्यादा है, हाँ, उससे भी ज्यादा और ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें द्रव्यों के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसे वो बोलते हैं कि ये अधूरा है, ये चार अध्याय में जो ज्ञान बताया गया है वो अधूरा है। तो जब तक हमें विशेष ज्ञान नहीं मिलता द्रव्य के बारे में, तब तक हमें द्रव्य के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। अतः हो इसीलिए शेष संग्रहार्थम जो बचा हुआ ज्ञान है उसके लिए द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव सामान्यतो वाच्यः, हमने बचा हुआ ज्ञान जो है वो द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव वो जनरली हम बोल रहे हैं। तेज अस्मिन अध्याय, ये सब हमने ये इस अध्याय में, हाँ, सप्तमी एक वचन अस्मिन अध्याय, ये हमने इस अध्याय में हम बता रहे हैं। अतः एव अयम द्रव्य विज्ञानीयम, इसीलिए ये जो अध्याय है वो द्रव्य विज्ञानी अध्याय है, द्रव के बारे में विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान जिस अध्याय में है वो ये अध्याय है। तत्र द्रव्यस्य रसादिभ्यः प्राग निर्देशः प्राधान्यात्, और तत्र मीन्स वहाँ द्रव्यस्य द्रव्य का रसादिभ्य रसादि आदियों से, पंचमी बहुवचन, रसादि आदियों से प्राक निर्देश प्राधान्यात्, उसका जो निर्देशन किया है वो प्राधान्य करके दिया है। द्रव्य के बारे में हमने जो बोला है वो रस वीर्य विपाक आदि की भाषा में बोला है, हाँ, यही महत्वपूर्ण है, ऐसे बोलते हैं। प्राधान्यम च स्वयमेव ग्रंथकृत प्रतिपादयन आह, कि जो ये प्राधान्यत्व जो है वो स्वयमेव ग्रंथकारों ने स्वयमेव इसको प्राधान्य दिया है, और वो प्रतिपादन करके हम बता रहे हैं। किसको प्राधान्य दिया है, रस वीर्य विपाक प्रभाव ये जो द्रव्य में है उसको ही हमने प्राधान्य दिया है, और उसके द्वारा हम द्रव्य का ज्ञान आपको देने वाले हैं। और ये ग्रंथकारों ने स्वयमेव उसको प्राधान्य दिया है, यही इम्पोर्टेंट ज्यादा है। हाँ, किसी भी अन्नपान किसी भी द्रव्य का हमें रसगुण वीर्य विपाक मालूम रहना चाहिए, और ये बताने के लिए हम आगे का अध्याय बता रहे हैं। द्रव्यम एव रसादिनाम श्रेष्ठम ते ही तद आश्रयः, द्रव्य जो है,
द्रव्यम एव रसादिनाम श्रेष्ठम, रसादि जो है उनमें द्रव्य ही श्रेष्ठ है। ये षष्ठी निर्धारण है। किसी भी इसमें ग्रुप में एक चीज को श्रेष्ठ बना बताना हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुष्पाणाम कमलेश कमला कमलम श्रेष्ठम, पुष्पों में कमल श्रेष्ठ है। धनुर्धनानाम अर्जुनम श्रेष्ठम, अर्जुन श्रेष्ठ कि धनुर्धरों में अर्जुन श्रेष्ठ है। अध्यापका नाम एक्स वाई जेड श्रेष्ठ, अध्यापकों में ये श्रेष्ठ है, ऐसे निर्धारण करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रसादिनाम, रसादियों में रस वीर्य विपाक आदि जो सब चीजें हैं उसमें क्या श्रेष्ठ है, द्रव्य ही श्रेष्ठ है। ते ही तदाश्रयः, और क्योंकि ये सब जो चीजें हैं रस वीर्य विपाक ये सब द्रव्य के आश्रय में है इसलिए द्रव्य श्रेष्ठ है। रसादिनाम इति निर्धारणे षष्ठी, ये रसादिना जो आदि सब चीजें हैं उसमें निर्धारण करने के लिए हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। रसवीर्यादिनाम मध्ये इसमें सप्तमी का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, पुष्पेशु कमलम, पुष्प में कमल श्रेष्ठ है। धनुर्धरेषु अर्जुन, हाँ ऐसे ऐसे भी करते हैं। रसवीर्यादिनाम मध्ये द्रव्यमेव प्रधानम, रसवीर्य आदियों में द्रव्य जो है वो प्रधान है। कुतः, कहाँ से? ते रसादयो ही यस्मात् तदाश्रयाः तदेव द्रव्यम आश्रयो येषां त एवम्, कि जो रसादि चीजें हैं ये द्रव्य में आश्रित है और इसीलिए द्रव्य श्रेष्ठ है। अतः एव केवला रसादयो न उपलभ्यन्ते तस्मात् द्रव्य प्रधानम्। तो इसीलिए केवल रसादि ऐसे नहीं उपलब्ध रहेंगे, उसमें द्रव्य रहे ऐसे नहीं रहेगा। मधुर एक चीज मधुर है ऐसा नहीं होगा, वो मधुरत्व किसी द्रव्य में रहेगा और वो शर्करा मधुर रहेगी ऐसे होगा। मधुरत्व ऐसे एक ही गुण या फिर उष्ण वीर्य ऐसा एक ही नहीं रहेगा, वो किसी तो द्रव्य में रहना चाहिए है ना। तो इसीलिए वो रसादि जो गुण है रस वीर्य विपाक ये ऐसे सिंगल सिंगल या फिर बिना द्रव्य के नहीं रह सकते। तस्मात, इसीलिए इनसे पंचमी गोचर तस्मात द्रव्य प्रधानम, इसीलिए उनसे क्या है द्रव्य जो है प्रधान है। एक ऐसा हो सकता है कि शर्करा है पर मधुर नहीं है, पर मधुर है पर शर्करा नहीं है ऐसे नहीं हो सकता, तो द्रव्य रहना ही चाहिए। हाँ, द्रव्य प्रधानत्व ही है ऐसे वो बोलते हैं आयुर्वेद रसायन। तत्र द्रव्यस्य प्राधान्यम आह द्रव्यम एव इति, अब हम द्रव्य का प्राधान्य तो बता रहे हैं कि द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्यम एव इति, द्रव्य ही प्रधानता है, प्रधान है। रसादिभ्यो द्रव्यम एव प्रधानम, रसादियों से द्रव्य ही प्रधान है। ही यस्मात, वहां से ते रसादयः तदाश्रयः द्रव्याधिष्ठानः, जो रसादि चीजें हैं वो द्रव्य में अधिष्ठान है। ये सब द्रव्य गुण का सब विषय चल रहे हैं, ये होने के बाद ही ये मुख्य चैप्टर शुरू होगा। एतेन एव रसाद्याश्रयो द्रव्यम इति उक्तम भवति, और ये एतेन एव इनके द्वारा, किनके द्वारा, रसविरह विपाक के द्वारा, रसाद्याश्रयो रस में आश्रय जो है इनके द्वारा जो चीज बनती है उसको द्रव्यम इति उक्तम भव, इसको द्रव्य बोलते हैं। प्राधान्य कथनम द्रव्य ज्ञाने तात्पर्यार्थम, ये प्राधान्य कथन है तात्पर्य बताने के लिए, द्रव्य क्या है तो जो रस वीर्य विपाक आदि जो है जिसमें आश्रित रहते हैं वही द्रव्य है, ये प्राधान्य बताने के लिए हाँ हमने ये द्रव्य की डेफिनेशन की है। उसका आपको तात्पर्य ऐसे द्रव्य ज्ञान का ये तात्पर्य मिलेगा आपको ऐसे। उक्तम च संग्रहे, संग्रह में बोला है, क्या बोला है, यस्मात् दृष्टो यवः स्वादु गुरुर अपि
अनिल प्रदाह, कि जो यव है वो कैसा है दिखने में, वो स्वादु है, वो मधुर है, गुरु है, फिर भी वो अनिलप्रद है, वो वात बढ़ाता है। कौन? यव। दीपनम शीतम अपि आज्यम, जो आज्य, आज्य मीन्स जो अपना घृत है वो क्या है, शीत है, शीत वीर्य है, फिर भी वो दीपन है। कौन? घृत। वसा उष्णा अपि अग्निसादिनी, वसा जो है वो उष्ण है, फिर भी वो क्या करती है, अग्नि साध करती है, अग्नि मांद्य करती है वसा। कटुपाको अपि पित्तघ्नो मुद्गो, मुद्ग जो है वो कटुपाकी है, फिर भी वो पित्तघ्न है। माशस्तु पित्तलाहा, और माश जो है वो मधुरपाकी है ना, इस तरह फिर भी वो क्या है, पित्त प्रकोपक है, पित्तल है। स्वादुपाको अपि चयकृत स्निग्धोष्णम गुरुफाणितम, ये चयकृत का इधर लिखा है चलकृत, चल ये वात का सिनोनिम है, चल मीन्स वात, प्रभंजन, ये सब सिनोनिम हमने वात कला के लिए में देखे। तो स्वादुपाक होकर भी, स्निग्ध होकर भी, उष्ण होकर भी, गुरु होकर भी, फाणित क्या है, वात कृत है, वात प्रकोपक है, वात वात बढ़ाने वाला है। रसे स्वादो यथा च एतत् अथा अन्येषु अपि दृश्यन्ते, रस में जो स्वादु है वो यथा च एतत् अन्येषु अपि दृश्यन्ते, उसमें भी भेद दिखाई देते हैं। एक रस स्वादु, स्वाद रस, मधुर रस है, तो उसमें भी मधुरत्व में भी भेद दिखाई देते हैं, है ना। शर्करा का माधुर्य अलग रहता है, गुड़ का माधुर्य अलग रहता है, गेहूं का माधुर्य अलग रहता है, शतावरी का माधुर्य अलग रहता है। तो अन्येषु दृश्यते वातलम कफपित्तघ्नम आम्लम अपि अक्षिफलकम, ये अक्षिफलक जो है, भेड़ा जो है वो क्या है, क्या है भेड़ा जो है वो क्या है, आम्ल होकर भी क्या है, वो वातल है, मधुर आम्ल लवण ये वातग्न रस है, फिर भी ये आम्ल होकर भी वातल है, कफपित्तघ्न है, अक्षिफलक, अक्षिफलम। कुरुते दधि गुरुवे 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 गुरुहु एव वह्नि पालेवतम नतु। तो ये जो दही है वो गुरु है। फिर भी क्या है वो, कुरुते दधि गुरु गुरु एव वन्नी, वन्नी कर है, अग्नि बढ़ाती है, और पालेवतम न तू, और पालेवत वैसा नहीं करता, पालेवत मीन्स खजूर, वो ऐसा नहीं करता। कपित्तम दाढ़िमम च आम्लम ग्राही, कपित्त और दाढ़िम जो है वो आम्ल होकर भी क्या है, ग्राही है, कषाय रस ग्राही होता है, पर ये आम्ल होकर भी ग्राही है। न च आम्ल की फलम, पर आम्ल की फल ग्राही नहीं है, आम्ल होकर भी ठीक है, पर ये दोनों ग्राही है। कषाया ग्राहिणी शीता धातकी न हरितकी, और जो धातकी है वो कषाय होकर भी क्या है, धातकी, धातकी जो है वो ग्राहिणी है, शीता है, कषाय है, पर वो वैसे हरित की कषाय होकर भी ग्राही नहीं है। ठीक है। हरित की जो है वो कषाय रस की है, उष्ण वीर्य की है, और उसके जो अनुरस है, आम्ल मधुरत्व ये जो है वो वो कार्यकारी रस दिखते हैं व्यवहार में, हरित की के कषाय रस उसका दिखता नहीं है, कार्यकारित्व रस नहीं है उसका। अप्रधानः पृथक् तस्मात्
रसाद्याः संश्रिताः तूते। और जो अप्रधानता है वो पृथक करके वहां से तस्मात रस आदि ही संश्रिताः तूते, उनका उनका ये सब मिलकर द्रव्य बनता है। ये जो द्रव्य है उसमें रस, वीर्य, विपाक, ये जो चीजें हैं वो इसमें कोई अप्रधान रहता है, कोई प्रधान रहता है, और ये सब मिलकर क्या होता है, द्रव्य बनता है ना। तो कईयों में क्या रहता है, रस प्रधान रहता है, कईयों में वीर्य प्रधान रहता है, कईयों में विपाक प्रधान रहता है। हाँ, ये बताने के लिए इन्होंने ये संग्रह के उदाहरण दिए हैं। ठीक है, अगर कषाय रस का हरितकी भी हो गया तो भी वो ग्राही नहीं होता। माश मधुर विपाक का होकर भी वो पित्तल नहीं, वो पित्तल है ना। मुद्ग कटु विपाक होकर भी वो पित्तग्नि है। तो रस या फिर वीर्य, विपाक, ये एक एक पर हम द्रव्य का कर्म निर्धारण नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब जो चीजें हैं, रस, वीर्य, विपाक, ये अप्रधान है। किससे? द्रव्य से। द्रव्य ही प्रधान है। प्रभवाहा यतो तो द्रव्यो, प्रभाव भी अगर द्रव्य में हुआ, यतो तो द्रव्यो, द्रव्य में होता है, फिर भी ही द्रव्यम श्रेष्ठम मतो परम, फिर भी द्रव्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भी द्रव्य का ही आश्रयभूत है। कौन? प्रभाव। तो यानी ये सब बताने के लिए रस, वीर्य, विपाक आदि जो चीजें हैं वो अप्रधान है, ये बताने के लिए इन सब का उदाहरण दिया। समझ में आ रहा है? पंचभूतात्मकम तत्तु, और जो ये द्रव्य है वो क्या है, पंच महाभूतात्मक है। सर्वांग सुंदर बोलते हैं तूर अवधारणी। अब यहां ध्यान ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं वहां ध्यान दो, ऐसे बोल रहा है अरुणदत्त। यत तदोषश्च यत तो यत तदोहोश्च नित्य अभिसंबंधात यद इति एतद अनुक्तम अपि अर्थ लभ्यते, कि ये जो द्रव्य ये पंचमहाभूत से बना है, इनका नित्य संबंध है। जैसे रसगुण वीर्य विपाक का द्रव्य से संबंध है, वैसे ही पंचमहाभूत का द्रव्य से संबंध है। और इससे क्या होता है कि ये भी चीजें पंचमहाभूत से बनी है, वो भी चीजें पंचमहाभूत से बनी है। तो यद इति एतद अनुक्तम अर्थात लभ्यते, कि इससे क्या होता है, अनुक्त अर्थ मिल जाता है। कि कौन प्रधान है, कौन अप्रधान है। तेन अयम अर्थ, वो अर्थ ये है कि यत् रसादीनाम आश्रयभूतम कार्यद्रव्यम हरितक्यादि स्थावरम छागादि वा जंगम हम तत् पंचमहाभूत भूतात्मकम न तु यत् कारणद्रव्यम आकाशादि। कि वो बोलते हैं कि इससे अर्थ ये पता चल जाता है कि रसादि नाम, रस, वीर्य, विपाक आदि नाम, ये सब जो है ये आश्रय भूतम, ये कार्य द्रव्य है। ये क्या द्रव्य है, जो द्रव्य होता है वो कार्य द्रव्य होता है। कोई भी द्रव्य, हरित किलो, आम्ल किलो, है ना, या फिर छागादि जंगम जंगम द्रव्य लो, छाग मांस लो, शश मांस लो, ये सब जो द्रव्य है वो कार्य द्रव्य है, इससे कुछ कार्य हो जाता है। और ये जो कार्य द्रव्य है वो पंचमहाभूतात्मक है, ऐसे वो बोलते हैं। तत् पंचमहाभूतात्मकम् न तु यत् कारणम् द्रव्यम् आकाशादि, और जो कारण द्रव्य है उसमें, हाँ, कौन से, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत जो उसमें है वो कारण द्रव्य है। इससे द्रव्य बनता है और द्रव्य काम करता है।
तस्य ही पंचभूतात्मकत्वे सति आकाशादीनाम पृथकत्वेन आत्मलाभो न स्यात्। तो ये पंचमहाभूत जो है द्रव्य में है, कारण द्रव्य, तो उसको अगर हमने पृथक कर दिया, उसमें से आकाश निकाला, वायु निकाला, आप निकाला, तो उसका कुछ ज्ञान नहीं होता। ये सब द्रव्य में समवाय है, द्रव्य में ही सामायिक है, द्रव्य में भी इन्वॉल्व है, तो उनको पृथक करके कुछ उससे आत्मलाभ नहीं मिल सकता। तथा च इदम आकाशम नाम महाभूतम, इदम पृथ्वी नाम महाभूतम, कदितुम न पार्यते सर्वस्य पंच महाभूतात्मकम। हमने ऐसे हरितकी ले ली, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हरितकी में ये आकाश महाभूत है, हरितकी में ये तेज महाभूत है, हरितकी में ये आप महाभूत है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि ये हरितकी जो बनी है वो पंच महाभूत से बनी है, ये हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे वो बोल रहे हैं। गति तुम न पार्यते, हम नहीं बोल सकते ये। सर्वस्य पंचमहाभूतात्मकत्वम, सर्वस्य पंचमहाभूतात्मकत्वम न च यत् कारणम तत् कदाचित कार्यम स्यात्। कि न च जो कारण है वो कभी कभी कार्य हो सकता है। जो नचक यत कारणम, जो कारण नहीं है वो कदाचित कार्य हो सकता है स्यात्। तस्मात् कार्य द्रव्यस्य एव पंच महाभूतात्मकत्वम न कारण द्रव्यस्य आकाशादि। तो कार्य द्रव्य जो है वो पंच महाभूतात्मक है, और कारण द्रव्य जो आकाशादि है वो कारण द्रव्य है वो पंचमहाभूतात्मक नहीं है, वो सेपरेट सेपरेट है, आकाश सेपरेट है, वायु सेपरेट है, हाँ ऐसे वो बोल रहे। चरक मुनि ने बोला है, खादिन्यात्मा मन कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह इति नवधा द्रव्यम उक्ता तद लक्षणम व्यथित। उन्होंने ये लक्षण बताकर उन्होंने बोला है कि ख आदि आत्मा, आकाश आदि जो पंचमहाभूत है, आत्मा है, मन है, काल है, दिशा है, ये सब जो है वो कारण द्रव्य है। यथा सुश्रुते यथा चरके यत्राशितः कर्म गुणः कारणं समवायियत तद्द्रव्यम्। कि द्रव्य में कर्म और गुण ये आश्रित रहते हैं, समवायी रहते हैं, और उसको द्रव्य बोलते हैं। अस्य अर्थः, इसका अर्थ ये है, यत्र कर्म, जहाँ कर्म है वहां क्या है, परिस्पंदन लक्षण संयोग वियोग कारणम। कर्म कौन सा होता है, अगर ये पेंसिल है, ये अगर ए स्थान पे है और उसको हमने ऐसे ही रखा तो ये कार्य नहीं होगा। इस पेंसिल को ए स्थान से अगर बी स्थान में लिया जाए तो ए स्थान से उसका वियोग हो गया और बी स्थान में उसका संयोग हो गया। अगर वो संयोग वियोग हो गया तो ही वो कार्य होता है, ऐसे बोल रहे हैं। समवेतस्य गुणः यत्र शब्दादयो गुर्वादयो वा बुद्धिर्वा परादयो वा समवेताः यच्च कारणं समवायी तद्द्रव्यम् उच्यते। हाँ, ये समवायी कारण है। हाँ, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण हमने पढ़े हैं। तो ये क्या होते, समवायी कारण द्रव्य के साथ, कार्य के साथ रहते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी ये समवायी कारण है। हाँ, मिट्टी एक पैटर्न में उसको उससे घड़ा बनाए, और ये असमवायी कारण है, और जो घड़ा बनाता है कुम्भार वो निमित्त कारण है, इससे रहते हैं ना। समवायी इति यत् कारणम पृथक भवति, सॉरी, यत् कारणम अपृथक भवति तत् समवायी कारण। कार्य होने के बाद उसको अपृथक नहीं किया जाता, मिट्टी घटे से घट से नहीं निकाली जाती। हाँ, तो ये समवायी कारण होता है।
यथा तंतवाह पटस्य, पट जो होता है वस्त्र जो होता है उसके जो तंतु है वो समवायी कारण है। हाँ, अगर तंतु निकाल दिए तो वस्त्र भी नहीं रहेगा। एतानि कर्म गुणाश्रयित्व समवायी कारणत्वानि यद्यपि सर्वाणि सर्वस्मिन् द्रव्ये न विद्यन्ते तथापि यद्यत्र संभवति तत्र तेन तस्य द्रव्यस्य द्रव्यत्वं कल्प्यम्। कि सभी द्रव्यों में कर्म गुण आश्रयित्व समवायित्व ये जो है वो सभी में, कईयों में गुण नहीं रहेंगे, कईयों में कर्म नहीं रहेगा, ऐसे कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी वो जो द्रव्य है उसमें द्रव्यत्व रहेगा। द्रव्यत्व रहेगा मीन्स क्या? द्रव्यत्व रहेगा। तद्यथा मनसा कर्म गुणाश्रयित्वेन वायवादिनां तु कर्म गुण कर्म गुणाश्रयित्वेन समवायी कारणत्वेन च। जैसे मन के कर्म गुणाश्रय ने, जैसे वायु के कर्म हम देखते हैं कि वायु ऐसे ऐसे हो गया, वायु की वृद्धि होगी तो उसके कर्म दिखते हैं, वैसे ही मन के कर्म है। हाँ, मन के मन विचार करता है, ये करता है, वो करता है, ये सब समवायी कारणत्वेन। ननु आकाशादिनी कारण द्रव्याणि इति कथम उक्तम, कि आकाश आदि जो चीजें हैं वो कारण द्रव्य, उसको कैसे बोला जाता है? तो बोला एतानि कर्म गुणाश्रयित्व समवायि कारणत्वानि यद्यपि सर्वाणि सर्वस्मिन् द्रव्ये न विद्यन्ते, सभी सभी द्रव्यों में नहीं रहेगा। एकादा द्रव्य लिया तो उसमें कई कभी कई चीजें नहीं रहेगी आश्रयभूत में, एकादी चीज नहीं रहेगी उसमें, फिर भी उसमें द्रव्यत्व रहता है ना। गाय को गाय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें गोत्व है ना। अश्व को अश्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें अश्वत्व है ना। अब अश्व के चार पैर रहते हैं, एक मुंडी रहती है, दो आंखें रहते हैं, अब कई अश्वों के दो पैर कट गए तो भी वो अश्व ही है ना। मनुष्य है, उस मनुष्य के अगर दो पैर कट गए, दो हाथ कट गए तो भी वो मनुष्य है ना, क्योंकि उसमें अगर हाथ पैर भी नहीं रहे तो भी उसमें मनुष्यत्व है। क्या है? उसमें मनुष्यत्व है। तो ये जो भाव है वो उस द्रव्य को इंडिकेट करता है। उसमें दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो नाक, एक नाक, दो कान, सिर, ये रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कईयों में कुछ नहीं रहेगा, जो द्रव्य में अपेक्षित डिफॉल्ट जो चीजें हैं वो रहनी चाहिए, वो कभी कईयों में नहीं रहेगी, फिर भी क्या है वो द्रव्य तो रहेगा क्योंकि उसमें द्रव्यत्व है। मनुष्य में मनुष्यत्व है, स्त्री में स्त्रीत्व है, इसलिए वो स्त्री है ना, बराबर है ना। कुटा कशाच्या वरचं? तथापि यद्यत्र संभवती, तथापि उसमें अगर कुछ चीजें द्रव्य में है, यद्यपि यद्यत्र अगर कुछ है उसमें संभवती तत्र तेन तस्य द्रव्यस्य द्रव्यत्वम्, वो उस द्रव्य का द्रव्यत्व है कल्प्यम, ऐसे वो जानना चाहिए। कुछ भी रहे ना रहे उस द्रव्य में, पर उस द्रव्य का द्रव्यत्व रहता ही है, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है। वही मैंने अभी जो बोला है ना, वो इंसान में अगर आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं रहे तो भी इंसान है। अभी इंसान की डेफिनेशन, मनुष्य की डेफिनेशन करते समय हम ऐसे करेंगे, जिसको दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, ऐसा ऐसा है, वो मनुष्य है। या अगर उसकी डेफिनेशन भी हो गई
फिर भी अगर दो पैर नहीं रहे, दो हाथ नहीं रहे, वो फिर भी वो मनुष्य है, क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है, ऐसे वो बोल रहे हैं। वैसे ही द्रव्य में द्रव्यत्व रहेगा, मधुरत्व गया तो भी वो शर्करा रहेगी, क्योंकि उसमें शर्करत्व है। उसमें मधुरत्व है, उसमें ऐसे। ठीक है, कहा लगा नहीं कहा लगा। ननु नो डाउट आकाशादिनी कारणम द्रव्याण इति कथम उक्तम। ये आकाशादि जो द्रव्य है, ये कारण द्रव्य जो है वो कैसे है, किस वजह से है, कथम उक्तम कैसे उन्होंने बोला है। यावता जब तक आकाशस्य द्रव्यत्वम एवं नास्ति इति केचित तान ब्रूहे, कि आकाश का जब तक द्रव्यत्व उसमें नहीं आता तब तक वो कारण द्रव्य है। मतलब क्या है, ये आप महाभूत ये कारण द्रव्य है, जब तक उसमें जलत्व नहीं आता तब तक वो कारण द्रव्य है। है ना, पृथ्वी महाभूत ये कारण द्रव्य है, जब तक उसमें गंधत्व नहीं आता तब तक वो क्या है, तब तक वो क्या है, कारण द्रव्य है। अगर उसमें गंधत्व आ गया तो वो कार्य द्रव्य हो गया। अगर आप में जलत्व आ गया तो वो कार्य द्रव्य हो गया, वो पानी हो गया, है ना, बराबर है ना, कोई का नहीं। तान ब्रूम ब्रूम है, अब उसको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जलधेरी व प्रत्यक्ष प्रत्यक्षः प्रत्यक्षेण एव अस्य नीलरूपता उपलब्धेः अस्तित्वं सिद्धम्। जल को कब बोलते हैं आप महाभूत को, जल हम कब बोलेंगे, जब उसमें नील रूपता आ गई, वो नीला पानी हुआ जब तक नहीं होता, उसका रूप जब नीला तब तक नहीं होता तब तक हम उसको क्या नहीं बोलते, जल। ठीक है, उसका अस्तित्व कैसे पता चलता है, नीले पानी नीला पानी रहता है ना। तथा कवयो अपि नीलत्वम एव अस्य वर्णयति। कवि जो है उन्होंने जल का नीलत्व, पानी नीला है, ऐसे उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। यथा कर्णाटस्य, कर्णाट जो कवि है, वो जो कवि है उसने बताया है कि विपल पुलीना रुद्या नद्यो वहंती अति निर्मला कमल सुभगो वायु ग्रहणम विलंबती मौसला नव जलधर छाया वासादि वासादिवा चिर निर्गतो वहती शशभृत नीलस्निग्धे नभस्य नभस्य वद आतताम। इन्होंने ये जल का वर्णन किया है। इन्होंने बोला है कि जो आप महाभूत है उसमें अगर गुण उसको मिल गए, कौन से गुण मिल गए, उसको रूप मिल गया, उसको गंध मिल गया, उसको स्पर्श मिल गया, तो वो जो कारण द्रव्य है आप, वो कार्य द्रव्य में परिवर्तित होता है, उसको जल बोलते हैं। तो कवि कवि ने दिया है कि विपुल मीन्स बड़े पैमाने में, पुलिना पुलिना मीन्स नदी नदी का जो किनारा रहता है वो, रुद्या रुद्या मीन्स जो ये रहता है ना तालाब, नद्यो वहंती निर्मला वो निर्मल बहता है, कमल सुभगो और उसमें कमल रहते हैं, है ना, सुभग सुभग मीन्स अच्छे तरह से, सुभग के वो अलग अलग अर्थ है, अच्छे तरह से, वायु घ्राणम उसका एक विशिष्ट गंध आता है, विलंबती मांसला जैसे मांसल होकर वो धीरे धीरे चलती है, वैसी वो नदी जो है वो धीरे धीरे सुंदर कमलों के द्वारा, हाँ ऐसे नदी किनारे से वो क्या करती है, नदी जो है वो बहती है। नव जलधर नया जो पानी है उसका, हाँ छाया उसकी जो छाया है, हाँ
उसका जो वास है, वासा मीन्स उसमें जो अलंकार, जैसे उसने अलंकार पहने हैं नदी ने, ऐसे दिवा चिर निर्गतो, दिन में जैसे जब चलती है वो, तो जैसे अब देखते हैं ना नदी में दिन में ऐसे सूरज की रोशनी उसमें गिरती है तो ऐसे चमक उठते हैं सब कुछ, है ना, उसमें जैसे उसने अलंकार पहने हो, ऐसी वो बहती है नदी। वह थी शशभ्रुत, शशभ्रुत मीन चंद्र, जैसे चंद्र शशभ्रुत नील स्निग्धे, चांद के जैसी और नीली और स्निग्ध, नभस्य नभस्य वद, जैसे नभ नभ से ही उतरी है, आततम आततम मीन्स उतरी है, जैसे नभ से ही उतरी है, चांद जैसी नीली स्निग्ध, ऐसी वो जो नदी है जैसे दिन में चलती है वो, जैसे उसने अलंकार पहने हैं ऐसे, तो इन्होंने वर्णन किया है जल का, जल के रूप का। क्यों किया है ये? कार्य द्रव्य बताने के लिए। ये आप महाभूति है पर उसको रूप मिल गया, उसको गुण मिल गए अलग अलग, वो अलग अलग गुण मिलने के बाद ये आप महाभूत जो कारण द्रव्य था वो कार्य द्रव्य में परिवर्तित हुआ। तथा च बाणस्य, बाण ने बोला है कि धोतो धोता शनि नभसी, नभ कैसे होते हैं, जैसे शनि जो है ग्रह, वो धोया हुआ शनि ग्रह कैसे होता है, ऐसे नीला नीला आकाश रहता है। अब ये आकाश जो महाभूत है उसको नीला गंध नीला रंग मिलके वो क्या हो गया, कार्य द्रव्य में परिवर्तित हुआ, वो कारण कार्य द्रव्य हुआ। इति तद एतद् दूषयन्ति, तो इन्होंने उसको ये कर दिया, दूषण दे दिए किसको, आकाश को, कि ये नीला आकाश है, ये ऐसे होकर क्या हो गया, वो कार्य द्रव्य हो गया। यथा ये सगळं असंच आहे पुढपर्यंत। यथा ही दूरात भ्रांति मात्रेण एव नील रूपत्वम अस्य उपलब्धते, कि दूर से हमने जब आकाश देखते हैं तो भ्रांति मात्रेण हमें लगता है कि वो नीला है, वैसे वो नीला नहीं रहता पर वो दूर से हमने देखा है, देखने के बाद वो क्या होता है, दूरात नीलत्व प्रतीति, दूर से वो क्या दिखता है, नहीं ठहर आगे गया, भ्रांति मात्रेण नील रूपत्वम अस्य उपलब्धते, उसका नीला रंग जो है हमें पता चल जाता है। यथा गिरे है विविध वर्णस्यापि, गिरे है यथा, चार नंबर विवर्ण है, यथा विवर्णम विविध वर्णस्यापि दूरात नीलत्वं प्रतीतः, कि दूर से अगर उसके बहुत अगर वर्ण हो आकाश में फिर भी वो दूर से क्या होता है, क्या दिखता है, वो नीलत्व प्रतीति, उसको नीला दिखता है। यत कविना वर्णनम तत् सादृश्य लेशेन निष्प्रमाणम एवं संभवते, और ये कवि कवियों द्वारा वर्णन किया है, कविनाम कवियों द्वारा वर्णन किया है कि तत् सादृश्य लेशेन, उसके उसका उसके जैसे जैसे उसको कवि को दिखता है निष्प्रमाणेन निष्प्रमाणम एव, तो वही हमें दे लेना चाहिए वर्ण, आकाश का वर्ण नीला लेना चाहिए क्योंकि ये कवि ने वर्णन किया है ऐसे उन्होंने बोला है। तथा च तेजसः शुक्लत्वं वर्णयति, वैसे ही तेजस का वर्ण जो है वो शुक्लत्व बला है, शुक्ल मीन्स वाइट या फिर तेज युक्त ऐसा, तो तेज को जब ये वर्ण मिल जाता है तो वो अग्नि हो जाती है ना, तो ये कार्य द्रव्य हो जाता है ऐसे उन्होंने बोला है। न च शुक्लत्वम एतस्य उपपन्यते निराकरत्वात्, और ये शुक्ल ऐसे ही पता चल जाता है, ये हमने ऊपर के इससे निराकरण कर दिया है, ये कवि कल्पनाएं हैं, और ये कभी कभी क्या होता है कवियों द्वारा लिखा जाता है ना, नीले नीले नीला आकाश है ना, नीला पानी ठंडी हवा है ना, ऐसे जो कुछ है रहता है वो ऐसे किया जाता है, ऐसे
ऐसा अग्नि, ये तेज महाभूत ऐसा शुक्ल नहीं है, हाँ, पर ये वर्णन वैसे किया गया है, ऐसे वो बोलते हैं। तस्मात नील रूपत्वम आकाशस्य उपबन्नम, ऐसे ही आकाश का नीला नीला रंग पता चल जाता है। अपि च यद आकाशस्य नील रूपता स्यात तदा नील रूपम भवेत नभः, और जैसे ही आकाश भी नीला होता है उसीलिए वो जो नभ है उसमें वो भी नीले ही हो जाते हैं आकाश में, हाँ, सभी दूर से नीला ही दिखता है। न च स्यात स्निग्ध नील रूपत्वम नभस्य, कि जो नभ का जो रूप है वो स्निग्ध नील रूपत्व जो है वो नहीं दिखता, वो पूरा नीला का नीला ही दिखता है, ऐसे बोल रहे हैं। ननु दर्शन वैचित्र्याद अस्य रूपत्वम उपपन्नम, ये दर्शन वैचित्र है, जो वैरायटी आती है दिखने में वो उससे हमें रूप पता चल जाता है, ऐसे बोलते हैं वो। यथा जैसे पुरुष शरदा शरदा शरा शरादे रुजुताम दिदृष्टु क्षुरेकम चक्षुर निमिल्यापरम च उन्मिल्य ताम उपलब्धते न तु नयन युगुलेन, कि हमें आंखें बंद, थोड़ा थोड़ा आंखें बंद करके, हम इसे थोड़ा थोड़ा आंखें खोल के जब देखते हैं तो हमें कुछ अलग दिखाई देता है, और वो जो दिखाई देता है वो पूरी आंखें खुल के नयन युगुलेन, दोनों आंखें ओपन करके हमें जो दिखता है वो अलग चीज़ रहती है, ऐसे वो बोलते हैं। शरद शरादे रुजुता, ये क्या है नहीं मालूम मुझे, पुरुषाः शरादे रुजुता, नीचे देख कर ऐसे होगा, शरादे रुजुता चक्षुर निर्माल्यापरम, हाँ, आंखें बंद करके आंखें जो हमें दिखता है च उन्मूल्य तान उपलब्धते, हाँ, कि वो आंखें खुल के न तू नयन युगलिन, दोनों आंखें खोल के वो जो नहीं दिखता वो आंखें थोड़े कम रखने पर जो दिखता है, ऐसे वो बोला है उन्होंने। न च एतद उक्तम, इधर ठहरेंगे क्या? हे सगळं द्रव्य गुणाचं आहे जे आपण डीजी मध्ये वाचलं ते सगळं, हे पुढे जाऊन आपण डायरेक्ट श्लोकाला पण जाऊ शकतो, नाही तर हे वाचून एकदा संपूया पटापट उद्या। पवन स्पर्शवान आहे, हाँ, आकाश रूपवान आहे ना, पृथ्वी गंधवान आहे, गंधवती आहे की नाही, हेच सगळं आहे। आकाशात भावे वाचू, अग्नीय भाव, अग्नीला भाव आहे, अग्नीला वर्ण आहे, हे सगळं त्यांनी हेच सांगितलंय इन जनरल, की ही सगळी कारण द्रव्य आहेत, त्यांना ज्यावेळी गुण मिळतात त्यावेळी तीच कारण द्रव्य कार्यामध्ये बदलतात। मग तर पृथ्वी असेल, आकाश असेल, वायू असेल, जल असेल, सगळे असतील, तसंच द्रव्यामध्ये हे रसगुण कर्म सगळे आहेत, म्हणून ते द्रव्य आहे असं त्यांनी सांगितले, आणि म्हणून हे द्रव्य हे जे आहे ते कार्यद्रव्य आहे, त्याच्याकडून कार्य घडतं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। एकदा वाचा सगळं इथपर्यंत, मग वाटल्यास जाऊ आपण पुढे। ठीक आहे, थांबूया। जय श्रवण, तुमचा काय प्रश्न होता? काल काय विचारलेला स्वेदाचा?
नमस्ते।